आज कुछ टेस्टी सा स्नैक्स बनाएंगे। उसके लिए शिमला मिर्च को गोल गोल स्लाइस में काट के तैयार कर लिए हैं। एक शिमला मिर्च लिए थे, अब स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक उबला हुआ आलू ले लिए हैं, एक प्याज बिल्कुल बारीक काट लिए हैं इसमें डाल देंगे। एक हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे, आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीक़े से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिए हैं, अब इसको साइड कर देते हैं। आ एक प्लेट में शिमला मिर्च लेंगे, इसको तैयार कर लेते हैं। एक हाथ पे लेके इसमें से स्टफिंग लेंगे, ऐसे भर देंगे। देखिए कितना अच्छा भर के तैयार कर दिए हैं। इसी तरह सभी शिमला मिर्च को तैयार कर लेंगे। सभी स्नैक्स को बना के तैयार कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फ्लेम को चालू कर दिए हैं, मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब इस पे 2 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे। अब 1 पिंच इस पर साबुत जीरा डाल देंगे। इसको चारों तरफ फैला देंगे। जीरा भी हल्का ब्राउन हो गया है। अब तैयार किया हुआ स्नैक्स को रखते जाएंगे। सभी स्नैक्स को रख दिए हैं। अब इसको ढक के 3 मिनट तक नीचे के साइड से पका लेंगे। अब ढक्कन को हटा लेंगे। नीचे के साइड से 3 मिनट हो गया है, अब इसको पलट लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूर बनाइए और खाइए, और कैसा लगेगा एक रेसिपी ज़रूर कमेंट करिए। सभी को पलट देंगे। अब इसको ढक के नीचे के साइड से भी 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ढक्कन को हटा लेते हैं। नीचे के साइड से भी 3 मिनट फ्राई हो गया है। अब इसको फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है। सभी स्नैक्स को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। देखने में बहुत टेस्टी है और खाने में भी लगेगा। आप चाहें तो इसको सूबे के स्नैक्स में भी बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।